सवाल आपसे है मेरा, वे लोग जो दुनिया के विभिन्न पदों पर शीर्ष पर बैठे हैं, क्या वो पैदाइशी बुद्धिमान थे, पैदाइशी सफल थे? हाँ जी नहीं सर, पैदाइशी सफल नहीं थे, बुद्धिमान होने वाले काम किए उन्होंने जिससे बुद्धिमान हुए, सफल होने वाले काम किए जिससे वो सफल। मैं आपको एक नाम बताता हूं, उसका नाम है उस व्यक्ति का, और उसका नाम है उसेन बोल्ट। 2008 ओलंपिक, 2012 ओलंपिक, 2016 ओलंपिक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर गोल्ड मेडल है। 12 साल तक ओलंपिक में बादशाहत कायम करना, आप सोच नहीं सकते कितना डेडिकेशन चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो अपनी पूरी जिंदगी में प्रोफेशनली 5 मिनट से ऊपर नहीं दौड़ा। 100 मीटर का रेस 9 सेकंड का होता है, 3 बार दौड़ा होगा तो 30 सेकंड। 200 मीटर का रेट 18-19 सेकंड का होता है, 3 बार दौड़ा होगा तो 1 मिनट। 400 मीटर का रेस 36-35-40 सेकंड का होता होगा, 3 बार दौड़ा होगा तो 1.5 मिनट। टोटल कर ले तो 5 मिनट नहीं बनता, यानी वो परफॉर्म 5 मिनट भी नहीं किया, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस 5 मिनट की परफॉर्मेंस के पीछे हजारों घंटे की मेहनत थी सर, हजारों घंटे की ट्रेनिंग्स थी। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए।